Hey, what's up everybody? My name is Karan and welcome back to my channel again. My channel name is Exam Tapri. और guys, थोड़ा सा अब बात करूँगा mains की, क्योंकि mains की dates वापस आ चुकी हैं. तो अगर आप लोग mains के aspirant हैं, जैसे इससे previously वाला जो मैं comment की counselling कर रहा था, तो वो counselling लगभग ख़त्म हो चुकी है. और मेंस की जो काउंसलिंग का सेशन है वो शुरू हो चुका है. बच्चों के मन में क्वेश्चंस हैं कि कितने परसेंटाइल पे क्या मिलेगा, तो उसी को चीज़ें पे उस पर बात करेंगे. क्योंकि बच्चे भी चाहते हैं कि वो अपना एक मार्क्स का टारगेट लेके चलें और एक क्लैरिटी थोड़ी सी उनके दिमाग में आए कि कितने मार्क्स पे क्या परसेंटाइल, या कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल, या कितने परसेंटाइल पे कितने मार्क्स वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो उसी चीज़ को मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. तो टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. अगर मैं बात करूँ इस साल की, तो इस साल 300 मार्क्स का पेपर है आपका. ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लास्ट में मिल जाएंगी, है ना, तो आप देखते रहो. तो 300 मार्क्स का आपका पेपर है, और 300 मार्क्स के पेपर की अगर मैं बात करूँ, तो 300 मार्क्स में से अगर 99.99 अगर आप परसेंटाइल लेके आ रहे हैं, तो अगर आप 99.9 परसेंटाइल सोच रहे हैं, तो कम से कम आपको 3 मार्क्स चाहिए होंगे. मैं 99.9998 की बात कर रहा हूँ. तो 300 मार्क्स के पेपर में अगर 300 मार्क्स आप ले आते हैं, तो इतनी परसेंटाइल लगभग आपको चाहिए. बात करूंगा 99.994 और से 99.997, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं कि मैं पॉइंट में इतनी दूर तक क्यों जा रहा हूं, इसके पीछे रीज़न ये रखा है, मैं रीज़न ये है कि बहुत सारे बच्चे पॉइंट में होने के कारण उनकी ब्रांचेस और उनके कॉलेजेस में बहुत बार चेंजेस आ जाते हैं. एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताऊँ कि अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ, तो जैसे इस बार आप लोगों को 4 राउंड्स मिले हैं, लास्ट ईयर तक 2 राउंड ही थे. लेकिन हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की है, मतलब 3-4 साल से, मतलब पिछले साल के और पिछले, मतलब पिछले साल हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो बच्चों ने, मतलब पहला जो अटेम्प्ट था और उन बच्चों ने पहले अटेम्प्ट में जो परफॉर्म किया हुआ है, है ना, तो वही परसेंटाइल बच्चों की हायर रही है. मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो पहले राउंड में जो परसेंटाइल थी, वही हायर रही है. तो मैं आप बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि पहला जो अटेम्प्ट अपना फरवरी में होने वाला है, उसको एकदम सीरियसली लें, क्योंकि उसमें आप अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपका मोटिवेशन कहीं ना कहीं हाई होगा और फर्दर राउंड के एग्जामिनेशन के लिए आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी. लेकिन अगर आपका पहला राउंड ही इतना अच्छा नहीं हुआ है, तो उसमें होगा क्या कि कहीं ना कहीं आप थोड़े से डिप्रेस और थोड़े से लो होंगे. तो कहने का मतलब ये है कि पहले राउंड से ही आपको अच्छा करने की कोशिश करनी है. मतलब जो फरवरी वाला राउंड है, उसी में ही आप ये कोशिश करो कि अपना बेस्ट परफॉर्मेंस उसमें दो. चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, है ना यार गाइस. तो अब 250 से 262 मार्क्स जिन बच्चों के आ रहे हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेड जो परसेंटाइल है वो 99.97 से 99.98 तक मैंने रखी हुई है. और 231 से 240 मार्क्स जिन बच्चों के आएंगे, तो 99.93 से 99.95. और 221 से 230 जिनके आएंगे, उनके 99.90 से 99.92 तक मैंने परसेंटाइल का स्लैब बनाया हुआ है. देखिए, ये जो स्लैब है, ये मैंने कई वेबसाइट पे देखा है, और वहाँ पे जहाँ पे जो मुझे एकदम ट्रस्टेबल रिसोर्स लगा है, वहाँ से मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ. इसके अलावा एक बात और बताता हूँ मैं आपको कि 211 से 220 तक जिन बच्चों के मार्क्स आएंगे, तो उनकी परसेंटाइल जो होगी 99.7 से लेकर 99.84 के बीच में. और जिनके मार्क्स 191 से 200 के बीच में आएंगे, तो 99.7 से लेकर 99.71 से लेकर 99.78, जिनके मार्क्स 181 से 190 के बीच में आएंगे, तो उनके परसेंटाइल आप मान के चलिए 99.59 से 99.68. जिनके 171 से 180 तक आ रहे हैं, उनकी परसेंटाइल आप मान के चलिए 99.45 से लेकर 99.57. और जिनके 161 से मार्क्स आ रहे हैं और 170 के बीच में आ रहे हैं, तो उनके 99.2 से लेकर 99.4 तक आप मान के चलिए. अब देखिए गाइज, अपन अभी तक 99 तक चल रहे, तो 99% जिन बच्चों की आ रही है, और उन्हें अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं. NIT की अगर मैं आप लोगों को बात करूं, तो इवन टॉप NITs में भी उनको कोर ब्रांचेस के अलावा दूसरी ब्रांचेस भी मिल जाती हैं. हालांकि 99.9 उनको तो बहुत अच्छी ब्रांचेस ऑब्वियसली मिलेंगी ही, लेकिन अगर 99. अगर आपकी 4 तक भी आ रही है या 99.3 तक भी आ रही है, तो आपको एक ठीक ठाक NIT या IIIT मिलने की पूरी पूरी संभावना है. ऊपर हम आ जाते हैं 141 और 150 के बीच में, तो 98.73 से 98.9, 131 से 140, 98.3 से 98.6, 121 से 98.2, अब 111 से 120 के बीच में 97.97, 101 से 110 के बीच में 96.2 से 96.97,
और 91 से 100 के बीच में अगर आप देखेंगे तो आपके जो मार्क्स आते हैं तो 94.96, इसके और ऊपर आ जाएं 81 से 90 के बीच में आ जाएं तो 93.47 से 94.74, और 71 से 80 के बीच में आ जाएं तो 91.93, और 61 से 70 के बीच में आ जाए तो 87.5 से लेकर 90.7। देखो गाइस, मैं यहीं तक बात करूंगा क्योंकि देखिए यार, यहां तक आपकी रैंक आ रही है, अपन आ चुके हैं लगभग 90% तक आ चुके हैं। अगर 90% तक आपकी रैंक आ रही है तो आपको एक अच्छे डिसेंट NIT मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है। ये सारी चीज़ें आपको लेफ्ट में, और अगर आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा इसका लिंक, तो वहाँ पे जाके आप ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। और कमेंट और मेंस की पूरी काउंसलिंग में मैं आपके साथ बना रहूँगा और आप लोगों की पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। कुछ और फर्दर आपको डिटेल्स चाहिए, यू कैन लेट मी नो ऑन माय इंस्टाग्राम पेज, और जो भी क्वेश्चंस हैं मैं वहां पे आपके सॉल्यूशन बता दूंगा। और कुछ और क्वेरीज हैं तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स, और कुछ और चेंजेस आप चाहते हैं सो यू कैन जस्ट पिंग मी ऑन इंस्टाग्राम। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, माय नेम इज करण, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड, एंड बाय बाय।